टीम मार्कोस गेमिंग, रौनक की तरफ से रंजीत को रोका जाता है, मैडमैन की तरफ एक शानदार ट्रेड विल बी कमिंग इन बाय स्प्रे गॉड, एंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें, वी हैव टीम फॉरएवर जिनकी फाइट फिलहाल के लिए पहले ओएसजी के साथ चल रही थी, अब टीम सोल के साथ है। टीम 7सी मार्कोस गेमिंग को गेम से बाहर करेगी, मार्कोस गेमिंग पहली टीम होगी जो गेम से बाहर जाएगी, एंड शायद अब टीम फॉरएवर की मुश्किलें बढ़ती हैं एज सावितार गोस डाउन। सावितार ने अभी रिसेंटली मॉली आसानी से क्या सब्स्टिट्यूट को पता है प्लेयर कहां पे है, एक और नेड ज्यादा कुक नहीं है बट इट विल डू द वर्क इवेंचुअली, लेट्स सी कितना डैमेज आता है। जैसी की तरफ से आदित्य डाउन होते हैं, इडली नॉकआउट करेंगे 8 बिट के न्यू प्लेयर को, 8 बिट का केवल आखिरी प्लेयर बचा है। This could be the game for Team Orange Rock, but यहाँ पे Team Soul के substitute आखरी player हैं जो कि परेशानी कर सकते हैं। जैसी का वो nade knock करेगा आदित्य को, knock करेगा Vexi को, Idli को finish off करेंगे substitute। एक one versus two की situation जहाँ पे जैसी आखरी बचे हैं, substitutes is doing the work wonderfully, and Regaltos take down करेंगे यहाँ पे फिलहाल के Juicy को भी, जैसी के साथ एक 1v1 substitute can do it, उनके पास helmet vest fresh है, but यहाँ पे healings के नाम पे सिर्फ और सिर्फ boosters हैं। जैसी on the other side 75 HP पे नजर आ रही है, ये प्रोन गेम है, अगले 5 मीटर आगे जाना है एंड बिल्कुल भी समय नहीं है। क्या यहां पे Regaltos गेम चेंज कर पाएंगे? Regaltos, this is going to be one of the best plays of his life, and क्या यहां पे ये क्लच होगा? That's we are gonna witness. Yeah, one of the best moment for their fans also. Cracky, that was a great moment. अगर ये निकाल लेते क्योंकि already 1v2 कर चुके हैं, substitute MK भी है उनके पास, so auto पे सबसे ज्यादा डैमेज देती है, बूस्टर्स पंप कर सकते हैं, टाइम है, ये डीप इनके लिए बढ़िया है, ये डीप का यूज करियो। जैसे ही प्लेयर है क्राउच करके यहां पे कॉट के और की कैट दी टीम सोल, Regaltos 1v3 द लास्ट मोमेंट, लाइक बचाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को यहाँ से निकलेंगे, फर्स्ट एड किट उनके पास है नहीं, उनको पता है कि यहाँ पे थोड़ी देर में जो प्लेयर हैं वो स्लैम डाल सकते हैं और वही चीज उनको देखने को मिलेगी। M249 का शॉट था तो सही बाहर निकले और ये गलती हो गई क्योंकि इनके पास अब हीलिंग्स नहीं है, साथ ही साथ वेस्ट भी नहीं। अगर आप नजर डाली कुछ ही लिमिटेड बुलेट, इनको बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे देखे जा सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से अननेसेसरी पिक्स आपको नॉकआउट कर सकता है। सामने टीम सोल की प्लेयर्स बात करें तो धीरे धीरे करके स्लैमिंग करेंगे, इन्फॉर्मेशन तो उनके पास हो गई कि एक ही मात्र प्लेयर यहाँ पे इनको चारों तरफ से घेरते हैं, जो नुकसान हमारे तरफ आया था वो यहाँ पे इनकी तरफ भी लेके जाते हैं। एग्जैक्टली वो सब्स्टिट्यूट का ग्रेनेड सीधा दलजीत को यहाँ पे नॉकआउट करने के लिए काफी था, बैकअप आया तो जरूर, क्या देर आए हैं, दुरुस्त आए, बिल्कुल यहाँ पे देर आए, दुरुस्त आए, नॉकआउट निकाला गया वहां पे वीरू के रूप में जो कि उनके एक तरफ से मेन असॉल्टर के रूप में हमेशा आ गए थे। क्रेटोस यहाँ पे मौका क्या देंगे, टाइम लेना चाहेंगे या फिर सीधा एक ग्लाइडर शॉट से करना चाहेंगे? ये सोल की स्क्वाड यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रही थी पता नहीं, बट सब्स्टिट्यूट व्हाट विद दैट थॉमसन, वो सीधा आप देखेंगे सब्स्टिट्यूट की एचपी तक हिट नहीं हुई, एक बुलेट अगर उनको वहां पे कनेक्ट हुआ, बट सबसे सब्स्टिट्यूट क्या बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे। बस मैं बोलने वाला था कि सोल की स्क्वाड यहाँ पे कर क्या रही थी, अचानक से सब्स्टिट्यूट नीचे आए और उन्होंने बोला मेसी आप थोड़ा सा रुकें, अभी मेरा गेम बाकी। It means ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल, स्पर्स के पास वेक्टर देखने को मिली, जरूर रिलोड करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्लोजिंग कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट के लिए दिक्कतें बढ़ाएंगे, वहां पे हेड भी कनेक्ट किया, क्लोजिंग के लिए जाएंगे और जी हाँ टीम छोड़ क्या एलिट के एक प्लेयर पर भी नॉक हुए, देखते देखते पूरी की पूरी टीम बाहर, बट लास्ट मोमेंट में वहां पे वाइपर को बाहर किया गया, चारों तरफ रहेंगे यूफ्रेड की चौड़ी की बात करें ऑलरेडी बहुत यहां पे, जो इस तरीके से आप डिसबैलेंस करोगे तो ब्लास्ट के शिकार पाओगे और ये बच नहीं पाएंगे, बिल्कुल यहां पे कोई एग्जिट आपके लिए बचा नहीं है, ये हल्की सी गलती आपके लिए डिसाइडर साबित है, बट आदि भी दूसरे एंड पे ऑफ गार्ड पाए गए, नॉकआउट उन्हें भी किया गया, कोई भी यहां पे बात करें एक दूसरे को मौका नहीं देना चाहते और सर्कल इसी के पीछे फाइलर्स डाले तो आईजी के काफी अच्छे कंट्रोल पे, सदर बार में कुछ कलर देखने को मिला और ईस्टर्न की तरफ नजर डाले रेडी की टीम सोल के आखिरी प्लेयर सब्स्टिट्यूट जो कि आज के डेट में क्लच कर चुके प्लेयर्स उनके पास सफर कर रहे, एक ही हेल्थ किट उनके पास बचा हुआ है उसके साथ सर्कल इन कर